या टी सीरीज लॉस में है। टी सीरीज इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी और वर्ल्ड की नंबर वन यूट्यूब चैनल विथ हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स, लेकिन अभी टी सीरीज के सारे मूवी बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं। 2022 की बात किया जाए तो 2022 में टी सीरीज की 23 मूवीज रिलीज हुई थी, इसमें से 4 मूवीज ओटीटी, बाकी 19 मूवीज थिएटर में रिलीज हुई थी। लेकिन हिट हुई कितनी? बस 2 मूवीज, भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2। दोनों मूवी 250 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और 17 मूवीज हुई डिजास्टर्स। और अभी 2023 में अभी तक 3 फिल्में रिलीज हुई हैं, कुत्ते, फरार, शहजादा, और तीनों के 3 डिजास्टर हैं। और आगे जून 16 को टी सीरीज की 500 करोड़ की मूवी आदिपुरुष रिलीज होने वाली है, जो अभी से काफ़ी रिस्क में है। आदिपुरुष का टीजर किसी को पसंद नहीं आया, उसकी जम के ट्रोलिंग हुई। पर वापस आते हैं, क्यों टी सीरीज की फिल्में नहीं चल रही हैं? सबसे पहले मास ऑडियंस। टी सीरीज की जितने ही फिल्में बन रही हैं उनमें से कोई भी फिल्म कनेक्ट नहीं कर पा रही है मास ऑडियंस को। दूसरा है प्रमोशंस। फिल्म मेकर्स ने ऑडियंस को ग्रांटेड लिया है, उन्हें लगता है कि फिल्म की प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप फिल्म देखने थिएटर आ जाएंगे। एग्जांपल राधे श्याम और विक्रम वेदा को देख लीजिए, प्रभास और ऋतिक रोशन जैसे स्टार एक्टर्स के बावजूद फिल्में डिजास्टर हो गई। विक्रम वेदा एक रीमेक फिल्म और मसाला फिल्म थी, फिर भी फ्लॉप हो गई। नंबर रीज़न है कॉन्टेंट। लॉकडाउन में ऑडियंस ने दुनिया भर के कॉन्टेंट को कंज्यूम किया है, अब जो फिल्में आप दिखा रहे हैं वो ऑडियंस को एक्साइट नहीं कर रही है थिएटर उठ के जाने के लिए, उल्टा उन्हें ये सब आउटडेटेड लग रहा है। टी सीरीज ने राधेश्याम बनाई प्रभास के साथ, वो भी 200 करोड़ की लव स्टोरी। जिस फिल्म को 100 करोड़ में अंदर बनाया जा सकता था उसे 200 करोड़ खर्चा किए, लेकिन आउटपुट क्या निकला? डिसअपॉइंटमेंट। विक्रम वेदा एक रीमेक फिल्म थी, तमिल फिल्म की विक्रम वेदा। ओरिजिनल पिक्चर 11 करोड़ में बनी थी, लेकिन टी सीरीज ने फूके 170 करोड़। ऐसे एक्सेस बजट की वजह से फिल्में फ्लॉप होती हैं। और क्वेश्चन में वापस आएँ, क्या टी सीरीज लॉस में होती है? तो इसका जवाब है नो। टी सीरीज प्रोड्यूस किए हुए मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देती है और इसको ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स को मिलाकर फिल्म के बजट के साथ साथ प्रॉफिट भी कमा लेती है। और फिल्म फ्लॉप होती है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस होता है, ना कि टी सीरीज का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। इंटरेस्टिंग मूवी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।